है तैयार और थी तैयार। शुरू से जब आप अपनी गेंदबाजी को पुख्ता करने के लिए पूरी तरह से जान लगाते तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ऑप्शन में मिचेल स्टार्क को लेके आए, बहुत महंगे खरीदा लेकिन जानते थे कि वो वैल्यू एड कर सकते हैं, और जैसे ही प्लेऑफ्स का वक्त आया वैल्यू एड किया। और फाइनल में भी वो जो बॉल था अभिषेक शर्मा को जो बोल्ड किया, भाई साहब मैजिकल डिलीवरी। और वहीं पे अगर आपके पास छह गेंदबाज हो जो विकेट टेकर हो, सारे के सारे आप छह गेंदबाज कोलकाता के निकालो, उनके नंबर्स आपको दिखेंगे लगातार विकेट चटकाते हैं। हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं कि उनके पास पांच अच्छे गेंदबाज है, यहां पे तो आपको छह मिलेंगे। तो बेस्ट जो बोलिंग टीम होती है वो आपको कब जिताती है, बल्लेबाज आपको मैचेस जिताते हैं, लेकिन गेंदबाजी यूनिट अगर अच्छी हो तो फिर आपको ट्रॉफी मिलती है जो कोलकाता को मिली है। मुबारक हो कोलकाता, उनके फैंस जिस तरह से क्रिकेट खेले, श्रेयस अय्यर की कप्तानी की पूरी तारीफ होगी, कदम गंभीर की वहां पे मास्टरमाइंड की तारीफ होगी, पूरे खैमे की चंद्रकांत पंडित को भी वहां पे मत भूलिए। और साथ ही में सनराइज हैदराबाद की अगर बात करें तो देखिए ये जो फाइनल की लड़ाई थी उसमें एक कंसिस्टेंट सॉलिड टीम जो कोलकाता थी और एक डेंजरस टीम जो हैदराबाद थी, उनके बीच लड़ाई थी। बैटिंग चली नहीं तो जो उनकी डेंजरसनेस थी वो खत्म हो गई। वहां पे मैंने पहले भी कहा था कि हैदराबाद को ना अपना गेम प्लान जो दूसरा है वो लेके आना है जब अगर गेंद मूव करती है या हरकत करती है। आज भी उनके पास वो गेम प्लान था नहीं और इसी वजह से वो रन बना नहीं पाए और फाइनल में बहुत पीछे रह गए। कोरबोल और जीतपुर, बहुत बहुत मुबारक कोलकाता।